बसंती हो गई थी जहानों की गंदी, लेकिन उसको अंदर और बाहर से साफ कौन करेगा? हम करेगा सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग स्पेशल इस वजह से क्योंकि आपका भाई आया है मोटर लॉन्ड्री, और यहाँ पे आपके भाई की गाड़ी की अंदर से और बाहर से बेहतरीन किस्म की डिटेल प्लस होगी, और गाड़ी होगी इंशाल्लाह नई बेहतरीन बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि नैनो सेरेमिक पे आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑफर है, और वो आपको फ़खर भाई बताएंगे। फ़खर भाई, ये जो यूट्यूबर फेसबुक पे लोग हैं ना, ये मेरी फैमिली है, ठीक है। ये अगर कोई भी गाड़ी पे नैनो सेरेमिक कराने आता है तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा? सर, जो भी आपका नाम लेगा आके कि हमें सलमान भाई ने भेजा है, ठीक है, उसको 50% डिस्काउंट। कब तक? 15 तारीख तक 50% डिस्काउंट है 15 सितंबर तक। नैनो सेरेमिक पे आओ, कराओ, ठीक है। आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं जब से मैंने गाड़ी ली थी आज तक कभी भी उसकी डिटेल प्लस नहीं करवाई थी, मतलब उसकी बेहतरीन वाली सफाई नहीं करवाई थी। हमेशा बस मकसले पे ले जाता था, धुलवाता था और उसके बाद ले आता था। इस दफ़ा इन लोगों ने गाड़ी को अंदर से और बाहर से बेहतरीन करके चमकाया है। ज़रा जब मैं गाड़ी लेके आया था तो कैसी शक्ल में थी चेक करें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसी इन लोगों ने कर दी। वो कहते हैं ना, मैं क्या थी, मैं क्या से, मैं क्या हो गई। देखें, अच्छा, ये मेरी गाड़ी पे अब करने क्या वाले हैं ये भी हमें कौन बताएगा? फ़खर भाई, इंटीरियर के लिए जो मेजॉरिटी आते हैं उनकी कंसर्न ये होती है कि गाड़ी में जो मेजर मार्क्स हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, ठीक है, वो क्लियर होंगे नहीं होंगे तो वो हम क्लैरिटी देते हैं कि हो जाएंगे। सही है। एक्सटीरियर के लिए मेनली या तो वो लोग ज़्यादा आते हैं जो कि जिन्होंने यूज़ कार खरीदी होती है या बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी पता लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा सोयल मार्क्स होते हैं, छोटे बड़े सब। तो बड़े मार्क्स जो डीप होते हैं, तो पेनिट्रेट कर चुका होता है मार्क, मतलब वो पेंट डैमेज हो जाता है वहाँ से, वो तो क्लैरिटी हम दे देते हैं कि ये नहीं जाएगा। सोयल मार्क्स स्पेशली वो रिड्यूस हो जाते हैं 60-70-80% तक कुछ गाड़ियों में, डिपेंड कितना पुराना है, कितने ज़्यादा है मार्क्स। पीछे डिग्गी के ऊपर स्पॉयलर लगाया था मैंने, अब उसका कलर फेड हो गया, अब मुझे उखाड़ना है, तो वो उखाड़ के उस पर जो स्टिकर के मार्क्स होंगे वो हट जाएंगे? बिल्कुल हट जाएंगे। उसको जब आप उखाड़ेंगे, अगर ग्लू की वजह से आपका पेंट कहीं से निकल जाएगा या निकला होगा तो उसका कोई इलाज नहीं है रिपेंट के अलावा, ठीक है, लेकिन जहाँ पेंट है वहाँ पे विल मेक श्योर कि आपको कुछ नजर ना आए। इंटीरियर क्लीनिंग से एक बात हमेशा ध्यान में आती, सीटें बाहर तो नहीं निकालेंगे वो कंपनी फिटेड जो होती हैं? सीटें बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम वो हमें काम करना आता है, हम सीटें धोते नहीं हैं। इंटीरियर में हम ब्रेक डाउन करते हैं जो टफ स्टेन्स होते हैं उनको, फिर केमिकल्स हमारे पास है जो स्प्रे करके उनसे, हम ड्रिल ब्रश है हमारे पास, तो वो ड्रिल ब्रश से भी मेक श्योर कि वो अच्छी तरह क्लीन हो गई। फिर एक एक्सट्रैक्टर एक डिवाइस है हमारे पास, उससे हम जितना भी उसके अंदर लिक्विड है या स्टेन्स जो सारे अब ब्रेक होकर मिक्स हो गए वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही है। एसी की जो जालियाँ हैं ना उसके अंदर मट्टी जमी हुई है, वो आपको नहीं मिलेगी, जब आपको गाड़ी वापस मिलेगी आपको पता चलेगा कि नहीं है आपको, ठीक है। एसी का जो पूरा वेंट है, पूरा अंदर वेंट का सिस्टम है, उसमें हम पूरा स्टीम रन करते हैं, ठीक है, कि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ अंदर ना हो। सही है, आपको बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री गाड़ी मिले। अच्छा, गाड़ी की खाली डिटेलिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर नैनो सेरेमिक की कोटिंग भी हुई है। नैनो सेरेमिक क्या भला है, फ़खर भाई बताएंगे हमें। नैनो सेरेमिक इज बेसिकली इट्स अ कोटिंग, सरफेस कोटिंग, जो कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत नैनो पार्टिकल्स में बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऊपर जो सरफेस है वो बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है, कोई चीज़ पेनिट्रेट नहीं करती उसमें, स्पेशली वाटर और जितनी भी ये इस तरह की डर्ट एंड डस्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये सरफेस प्रोटेक्ट करती है। आप अगर पानी भी डालेंगे, कॉफ़ी फेंकेंगे गाड़ी पर, तो वो गाड़ी पर शीट की तरह फैलेगी नहीं, वो ड्रॉपलेट्स बना लेगी, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत हाई हो जाती है। सही है। सरफेस की इस कोटिंग के बाद मैंने इसका सुना है कि इसकी कोई कोट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या सीन है? लेकिन यू कैन हैव मल्टीपल लेयर्स, नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि 3 लेयर करवाएं, अगर एक लेयर नहीं तो
करने वाले छः छः लेयर्स भी करवाते हैं हमें। वारंटी है इसकी? कुछ वारंटी होती है बिल्कुल, हम वारंटी इसकी देते हैं एक साल की ऑन आर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी। अब जैसे मेरा यूजेज है, मेरा सारा हाईवे ही हाईवे, तो उसका क्या? आपका सारा हाईवे हाईवे, आप सिंगल कोट आपका छः महीने चलेगा। ठीक है, तो अभी मेरी गाड़ी पे कितने कोट किए हैं? हमने तीन कोट किए। ठीक है, अगर हम तीन कोट करते हैं तो वी कैन इजीली गारंटी एटलीस्ट वन ईयर। पर कोट प्राइस क्या है आप लोगों की? पर कोट हम 499 लेते हैं, 499 विच इज़ द लोएस्ट इन द मार्केट। अब आप लोग देखें, जिस वक्त मैं गाड़ी रिसीव करने आया तो गाड़ी कैसी थी। अब आप लोगों को इस जगह की मैं लोकेशन बता दूं, शारा सगर कुरैश जद्दा के अंदर महत्ता सगर कुरैश है। इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देता हूं, लेकिन फिर भी मुँह ज़बानी भी बता देता हूं। तो महत्ता सगर कुरैश के ऊपर ये है पेट्रोमिन एक्सप्रेस का वर्कशॉप, और ये आपको पीछे दिख रहा है मोटर लॉन्ड्री। यहां पे आके आप अपनी गाड़ी बेहतरीन करके धुलवा सकते हैं। इन लोगों की प्राइस लिस्ट जो है वो आपके सामने आ रही है, जिसके अंदर गाड़ी अंदर से और बाहर से धुलवाने की प्राइसेस हैं, नैनो सेरामिक की प्राइसेस हैं, कंप्लीट वॉश की है, इन लोगों के पास स्टीम वॉश है, एक्स्ट्रा शाइन वैक्स पॉलिश है, इंटीरियर स्टीम क्लीन है, नैनो फैब्रिक प्रोटेक्शन कोटिंग है, हेडलाइट रिस्टोरेशन है। मेरी गाड़ी की हेडलाइट चेक करें, पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई। हम सबके दोस्तों में कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो हर वक्त गाड़ी को लेकर रोते रहते हैं, यार कहाँ से गाड़ी अच्छी धुलेगी, यार कहाँ से गाड़ी की अच्छी डिटेल प्लस होगी, यार गाड़ी गंदी हो गई है। तो उन लोगों को ज़रा टैग करो और उन लोगों के साथ ये शेयर करो, और उनको बताओ कि मोटर लॉन्ड्री वाले ये सारी ऑफर्स दे रहे हैं और बेहतरीन प्राइसेज में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो होता है वो डेली ज़रा आपस में इंटरेक्शन रहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।